अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। वो मुझे गुंदुगदु के हाथ मरवाना चाहती थी, एक तीर से 2 शिकार। अफसोस समय इस औरत की साजिश को समझ न सके। बेटी! पापा! हलीमा, वो 2 जिंदगियां जी रही है, तुम एक जिंदगी छीन लो उससे ताकि वो कम सर्फ औरत सुलेमान शाह को पोता देने का शर्फ कभी भी हासिल न कर सके। हमने नकल मकानी रोकने की कोशिश की, नाकाम रहे। सुलेमान शाह को मारने का इरादा किया, वो भी ना कर सके। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बात करो अलप्रगु। सुबह तो आप सुलेमान शाह की जान लेने के दर पे थे और अब उनकी हयादत के लिए जा रहे हैं। आपकी हिकमत अमली मेरी समझ से बाहर है। अगर तुम सब कुछ समझने लगो तो फिर तुम में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा अलप्रगु? लिफाफा देखकर मजमून समझ लेता हूं मैं, और यही वजह है कि मुझे कुर्दोगलो कहा जाता है। खैरियत है बाजी? खैरियत है मेरी बहन, खैरियत है। अच्छा है कि तुम हैमा खानम के साथ जा रही हो, लेकिन इस मौके से फायदा उठाना तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम सुलेमान शाह की खिदमत में लगी हुई हो जब से वो बीमार है। तुम्हें इसी तरह सफर में भी उनका ख्याल रखना है ताकि वो तुम्हारे गर्विदा हो जाएं। मैं समझती हूँ बाजी, आप बेफिक्र हो जाएं। मेरी प्यारी बहन, हैमा खानम को इस तरह अपना आदि बना लो कि वो किसी और के बारे में सोचे भी नहीं। अर्तुरुल का जिक्र करती रहा करो ताकि उनको याद रहे कि तुम उसके इंतजार में बैठी हो। मगर अर्तुरुल तो, क्या हैमा खानम को नहीं पता कि अर्तुरुल हलीमा को पसंद करता है? हैमा खानम अपने कॉल से कभी नहीं फिरती गोगचे। तुम जैसी मासूम और साबिर लड़की उन्हें कहीं मिल ही नहीं सकती। वो अपना वादा कभी नहीं भूलेंगी, लेकिन अगर कभी भूलने लगे तो तुम उन्हें याद दिला देना। बाजी, आप जानती हैं कि मैं क्यों सुलेमान शाह की तीमारदारी में लगी हुई हूँ। आप ही ने कहा था कि अर्तुरुल अपने बाबा की बात नहीं टाल सकता। अगर सुलेमान शाह ने मुझे अपनी बहू मान लिया है तो किसी में इनकार की हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए मैं हर वक्त उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ मांगती रहती हूँ कि अल्लाह जल्द उन्हें सेहतयाब करे। अल्लाह ना करे, तुम अपनी नाकिस अक्ल को इस्तेमाल करने के बजाय हैमा खानम को अपनी तरफ करने पे ध्यान दो ताकि वो अर्तुरुल पे जोर दे कि गोगचे के अलावा कोई इस खानदान की बहू नहीं बन सकती, चाहे वो कोई परी हो या शहजादी। नई सरजमीन आपके हक में बेहतर साबित होगी इंशाल्लाह। आप शिफायाब होकर दोबारा अपने कबीले की रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह।
यहां रख दो इसे। कहा सुना माफ वालिदा। अल्लाह की अमान में रहो। बाबा और आपका साया हमेशा कायम रहे। इस आजमाइश में दोस्त दुश्मन का फर्क मुश्किल हो गया है। दौरान सफर एहतियात रखिएगा। इंशाल्लाह। और तुम भी सलजान का और आने वाले मेहमान का बहुत ख्याल रखना। अगर कबीले में इत्तेहाद ना हो तो फिर हिजरत दुश्वार हो जाती है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, हर मुश्किल आसान हो। शुक्रिया वालिदा, बिल्कुल परेशान मत हो आप। कबीले के हर शख्स की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। हम सब खैरियत से हलब पहुंचेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो जवानों, उठाओ इन्हें। खुदा हाफिज़ हैमा खानम। अल्लाह करे ये सफ़र सबके हक में बेहतर हो, नई जगह आपके लिए मुबारक साबित हो और आपको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब हो। इंशाल्लाह सलजान, इंशाल्लाह। दुआ है कि जल्द मुझे अपने भाई की सेहतियाबी की खबर सुनना नसीब हो। अल्लाह आपके लिए आसानियां फरमाए हाइमा खातून। आमीन। आपके साथ सिपाहियों की अच्छी तादाद है, लेकिन अपनी आंखें खुली रखिएगा। मालूम ही है दुश्मन हर जगह मौजूद है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? भूलना मत रहमान, रात तुमने सीख ही लिया कि बुजदिल दुश्मन सामने से वार नहीं करता। किस हाल में है शहजादी? कुछ नहीं कह सकता मैं, रुक कर देखना होगा। जख्म पर रख ले। हम यहां ज्यादा कयाम नहीं कर सकते, दुश्मन करीब ही है। जल्दी निकलना होगा हमें, हलब पहुंचकर देख लेंगे क्या करना है। ठीक है। और तो कौन? तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगी। हाँ कर लूंगी बर्दाश्त। या मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बेटी की मगफरत फरमा, अपनी रहमत का दरवाजा खोल, तू इंसाफ करने वाला है।
तेरे सिवा कोई नहीं, तू हर शय पर कादिर है। अपने आजाब से जालिमों को नीस्तो नाबूद कर दे, इन पर कहर नाजिल फरमा। जुल्म नहीं किया मैंने किसी पर, तुम्हारी जिद की वजह से एलेनोरा की मौत होगी। जो तुम चाहते हो वो मैं कभी भी नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझे हजार दफा भी मार दो। बहुत जिद्दी हो तुम बचपन से ही, इसी जिद ने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन मैं भी तुम जैसों का इलाज करना अच्छी तरह जानता हूं। लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूं मार्कुस। क्या नाम था उस बद्दू का जिससे कल हमारी हलब में मुलाकात हुई थी? अंदलुस का मशहूर और मारूफ इब्नुल अरबी। तुम्हें हजार बार मारने से बेहतर होगा कि मैं उसे एक ही दफा मार दूं। अपनी जिद का क्या करोगे फिर? तुम उसे कुछ नहीं कर सकते, ये मालूम है मुझे। ठीक कहा, तुम बचपन से जिद्दी भी हो और जहीन भी। उस संदूक को हासिल करने तक जिंदा रहना जरूरी है तुम दोनों का, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उस इब्नुल अरबी को यहां जिंदान में कैद नहीं कर सकता। फिर तुम रोज उसे तड़प तड़प के मरते हुए देखना अपने सामने। وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب بالعالمين صدق الله العظيم الفاتحة اللهم صل على कैसी हो तुम माइकल्स? ठीक हूं मैं। कैसी तबीयत है उनकी? जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जहेज का सामान है? वहां पहुंचकर पहली शादी तुम्हारी होगी और इंशाल्लाह दूसरी मेरी और अर्तुरुल की। कोक जी, मैं जानती हूँ तुम अर्तुरुल भाई को पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हें उस नजर से नहीं देखते। जो ख्वाब तुम देख रही हो गोकचे, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो बहुत तकलीफ होगी। ऐसा नहीं है आइकिस, मैं खुद से ख्वाब नहीं देख रही हूँ। सुलेमान शाह भी यही चाहते हैं और हलब पहुंचकर वो हमारी शादी कर देंगे।
तैयार हो जाओ, काफला कूच कर रहा है। लेकिन अर्तुरुल भाई मान जाएंगे क्या? वो तो हलीमा को पसंद करते हैं। शायद तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन पूरा कबीला जानता है। अपने आप को किसी धोखे में मत रखो गोगचे, बेहतर यही होगा जो किस्मत में लिखा है वही मान लो। कौन जानता है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है? तुम भी तो तुरगुत को कब से चाहती हो, लेकिन अब तक शादी नहीं हुई। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। और ये मत भूलना कि खेल अभी जारी है। या तो आज तुम अपनी जबान खोलोगे या मैं तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मुझे यकीन है कि कोई तुम्हारा जासूस इस महल के अंदर बैठा है। उसका नाम बताकर अपनी जान छुड़ा लो। इसे क्या हो गया? जहर खा लिया इसने। कहां से आया जहर इसके पास? इस कमरे में और कौन आता है? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आता। किसी को भी नहीं मालूम कि ये यहाँ कैद है। यहाँ तक कि इसके बारे में मुहाफिजों को भी नहीं पता। मेरी तफ्तीश अधूरी रह गई। मुझे इसके जरिए से महल के जासूसों तक पहुँचना था। अस्मा, किसी को इसकी भनक भी न पड़ने पाए। जिस किसी ने भी इसको शहर पहुंचाया था वो इसके बारे में जानने के लिए जरूर यहां आएगा। मेरे आका, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे सौंप दें इस किलाश की जिम्मेदारी। मुहाफिजों की तब्दीली के वक्त मैं ये काम बआसानी सर अंजाम दे सकती हूं, अगर आप कहें। अस्मा, तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर। तुमने पहले भी मेरी जान बचाई थी और अब तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। मेरे आका, अगर हक और सच की राह में मेरी जान भी कुर्बान हो जाती है तो मैं दरेग नहीं करूंगी। मेरा ये यकीन है इस महल में जो भी गद्दार है वो अपने इबरतनाक अंजाम को जरूर पहुंचेगा। पेट्रोशियो, मेरे दोस्त कार्डिनल, मुझे अफसोस हुआ तुम्हारी भतीजी का सुनकर। मासूम का खून कभी भी रायगा नहीं जाता। एलेनोरा ने एक अजीम मकसद के लिए जान दी, लेकिन क्या इस कुर्बानी का कोई फायदा होगा?
मुझे नहीं लगता। खैर, क्या तुम्हें संदूक के बारे में कुछ मालूमात मिली? जियोवानी अपनी जिद पर कायम है, लेकिन ये जिद ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उसकी कमजोरी का बहुत अच्छी तरह इल्म है मुझे। जियोवानी तुम्हें बता देगा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? हलब में मेरी कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई थी। भाई के दोस्तों से? नहीं, जियोवानी अब मेरा भाई नहीं रहा। वो हमारे मजहब से गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है और इसकी कीमत उसे चुकानी ही होगी। पेट्रोशियो, पेट्रोशियो, सिर्फ गद्दार नहीं है हमारे दरमियान, कुछ ना अहल और नाकाम अफराद भी है। तुम अगर बाबा आजम को नई सलीबी जंग के लिए कायल करना चाहते हो तो मुसलमानों से मुकद्दस सरजमीन वापस हासिल करना होगी तुम्हें, और ये याद दहानी मैं तुम्हें बार बार करवाता रहूंगा, मेरे प्यारे दोस्त पेट्रुशियो। क्या बात है मार्कुस? टाइटस वापस आ चुका है। क्या बात है, तो तुम 30 सिपाहियों के साथ गए और सिर्फ 2 तुर्क वापस लेकर आए। शाबाश बहादुर टाइटस। ये बच्चा कोई आम तुर्क बच्चा नहीं है आली मकाम, ये सलजुक का शहजादा है। ये उन्हीं में से एक शहजादा है ना जो तुम्हारे पास से फरार हो गए थे? और ये दूसरा कौन है? तुम्हारी मौत। शाबाश टाइटस, एक जख्मी शेर के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया तुमने, मगर मैंने सुना है कि अपने इलाके से बाहर ऐसे जर्रारों से मुंह छुपाते फिरते हो तुम। फिलहाल मुझे काम के सिलसिले में अंताकिया की तरफ जाना है। वापसी पर इन मेहमानों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरी खैर हाजिरी में इनका ख्याल रखना तुम। यसु मसीह आपकी हिफाजत फरमाए। हमारे शहजादे को महल में ले जाओ और इसको भी अंदर ले जाओ, और वो हाल करो इसका कि ये हमसे फरियाद करे और अपनी मौत की भीख मांगे। पहले हम एक दोस्त के पास जाएंगे, वो हलीमा का इलाज कर देंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। ठीक है मेरी बच्ची, हिम्मत रखो। सब बस दिल हो,
हाथ खोलो फिर बताता हूं, भागते कहां हो? जल्दी सिखाएंगे कि कैदियों से कैसे सुलूक किया जाता है। तुम ठीक हो? अपनी ताकत जाया मत करो जवान, इन पर कोई असर नहीं होगा, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। अपने रब से लौ लगाओ, वही सुनने वाला है। आप कौन है? मैंने हजार मर्तबा तुम्हें समझाया है, मना भी किया है कि अपनी जाती अना को अपने मुकद्दस मकसद पर हावी मत होने दो, मगर तुम अपने बोग्स में उस तुर्क के पीछे मेरे 30 जाबाज गंवा आए सिर्फ तुम्हारी कम अकली की वजह से। मुझे माफ कर दें उस्ताद आजम। देखा था कार्डिनल कैसे हंस हंस के तंज कर रहा था तुम पर? रुस्वा कर दिया तुमने मुझे और तुम मुझसे माफी मांगने आ गए। याद रखना, इस गलती पर माफी कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। ऐसा दोबारा नहीं होगा, मगर अगर क्या टाइटस? अर्तुरुल का रुख हलब की जानिब था, मुझे लगा आप ये जानना चाहेंगे उस्ताद आजम। अल अजीज के पास जा रहा होगा एलची बनकर अपने कबीले का। तुम्हें आखिरी मौका देता हूं टाइटस। क्या हुक्म है उस्ताद आजम मेरे लिए? फौरन हलब रवाना हो जाओ, नासिर से मिलकर वहां के मामलात पर नजर रखनी है तुम्हें। अपनी गलती के अजाले का आखिरी मौका है तुम्हारे पास। जैसा आपका हुक्म उस्ताद आजम। पहले जाकर अपने खुदावंद का फर्ज अदा करो, फिर अर्तुरुल तुम्हारा इनाम है, जैसे चाहो उसकी तवाजो करो। शुक्र है आप लोग आ गए। बहुत परेशान थे, आपके लिए मुसलसल दुआ गो थे। तुर्गुत कहाँ है? बाबा ये गीत कहाँ है, आया नहीं अभी तक। परेशान ना हो, आ जाएगा वो, हिम्मत रखो। मैं तबीबा को इत्तला देता हूँ। खुदावंद उस जहान में हमारे साथी को इस कुर्बानी पर बेहतरीन सिला अता करे। उसकी कुर्बानी से हमारे लिए क्या आसानी होगी? शहाबुद्दीन से मुतालिक अजीज के दिल में शकूक पैदा हो गए हैं। हमलावर भी शहाबुद्दीन का नाम ले चुका है। जब जहर देने का राज अल अजीज पे अफशा होगा तो उसके शकूक व शुभात में मजीद इजाफा हो जाएगा। अब तुम्हारे हाथ में है बाकी का खेल। जलती हुई आग पर ऐसा तेल डालो कि सब भस्म हो जाए। आज मैं उसकी मेहमान बनूंगी और वो मेरी बात नहीं टालेगा। उसके दिलो दिमाग में इतना जहर भर दूंगी, देखना वो खुद पूरा करेगा हमारा मकसद। अफतालिया,
खुद को ज्यादा खतरे में मत डालना। मैं अल अजीज के लिए अस्मा हूँ, तुम्हारे और अपने लोगों के लिए अफ्तालिया हूँ। मैं अपने हुक्म की पाबंद हूँ। अगर खाना तनावल फरमा लिया हो तो इजाजत दीजिए। गीत क्या आया नहीं अभी तक बाबा, ये गीत कब आएगा? अल्लाह हमारी मदद फरमा दे, हमारी मुश्किलें आसान फरमा दे मेरे रब। आमीन। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्द शिफा अता करेगा इन्हें। तबीबा, क्या आप हमारी मेहमान का हाल बता सकती हैं? तबीब ने कहा है कि सुबह तक बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या ख्याल है आपका, आला हजरत से मुलाकात कर लें? तशरीफ फरमा है आला हजरत। तुम जाओ अर्तुरुल, मैं हूं यहां इसके पास। क्या बदतहजीबी है, इजाजत तलब करना भी भूल गए? बहुत खूब, यहां तो लोग अपने सरदार का खैमा चाक करके अंदर घुसाते हैं और तुम मुझे तहजीब सिखा रहे हो। कहना क्या चाहते हो, जल्दी कहो गुंदुगदू, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। जब तक बाबा को होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कहूंगा गुरदोगलो, लेकिन जिस दिन आंखें खोल दी बाबा ने, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मेरी नजरों से नहीं छुपा पाएगी, चाहे आसमान के सितारे ही क्यों ना मांग पड़ जाए। और हां, इसीलिए मुझे तीर कमान पसंद है, क्योंकि इससे आप दूर रहकर भी अपने दुश्मन को आसानी से निशाना बना सकते हैं। खुशावदीद मेरे बच्चे, इसे अपना ही घर समझो। आपका दीदार बायस सआदत है।
उस बच्ची के लिए दुआ गो। हमें सारी सूरत हाल के बारे में इन्होंने बता दिया है। जी जनाब, हलब में भी मुझ पर हमला हुआ था, जान से मारने की कोशिश की गई थी, मगर बच गया था आपकी मेहरबानी से। अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाब में देखा था आपको। यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, सिर्फ वही अता करने वाला है। तुम्हें नसीहत है कि अपने ख्वाबों का जिक्र अपने भाइयों से भी मत करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बार ख्वाब देखा, वो उसकी ताबीर जानने अपने बाबा के पास गए। जानते हो याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना। याद रखना, अपने राज खुद तक महदूद रखकर बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। जी हजरत। हमारे मेहमान आ गए, ये राज रखने वाले हैं और राज रखने वालों की कदर करते हैं। अल्लाह हम सब पर अपना करम रखे। पीर गिलानी का कहना है कि परिंदे अपने झुंड में ही अच्छे लगते हैं, उकाब उकाब के साथ और कव्वे कव्वों के साथ। मेरा काम था दो उकाबों का तारुफ करवाना। हम्द है उसकी। अल्लाह की रजा से आप दोनों की मुलाकात हो गई, आपस में गुफ्तगू कर लीजिए आप दोनों। आखिर काफिर तुमसे चाहते क्या हैं अर्तुरुल? दुआ सुनो। हाँ बोलो मेरे भाई। तुर्कुत और यगित क्या कहते हो, सुबह तक यहां पहुंच जाएंगे? मुझे नहीं मालूम बमसी, हमने हमेशा एक साथ सामना किया हर मुश्किल का, मंगोलों और सलीबियों से, सर्दी में गर्मी में, भेड़िये और जंगली जानवरों से, हर चीज से एक साथ मुकाबला किया। मुझे नहीं मालूम मेरे भाई बमसी, मैं नहीं बता सकता कि मेरे दिल में क्या है और क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। अफसिन साहब नजर नहीं आ रहे, शाम तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था, आए क्यों नहीं अब तक वो? कुछ भी नहीं मालूम मुझे इस बारे में, कौन है वो आदमी हम ये भी नहीं जानते। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। मैंने सुना है कि काई कबीले में वबा फैल गई है। क्या कहा, वबा? मुझे भी हैरत हुई थी, लेकिन हमारे सालार नासिर ने खुद यह खबर सुनी है। मेरी रवानगी तक तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर हमने एक औरत को पकड़ा था जो कबीले वालों की खुराक में कुछ मिलाना चाह रही थी। उसने बताया था कि सलेबियों का हुक्म है। हर फसाद के पीछे सलेबियों का ही हाथ निकलता है। अगर बाबा की खबर मेरे आने से पहले यहां पहुंच चुकी थी तो फिर यह यकीनन सलेबियों की साजिश है। नासिर पे कितना भरोसा है आपको? मैं अब इस महल में किसी पर भी भरोसा नहीं करता हूं अर्तुरुल। मैंने खुद पर कातिलाना हमला करने वाले को पकड़ लिया था। मारना मत! लेकिन नासिर ने उस शख्स को मार दिया।
वो आदमी मरा नहीं था, मैंने उससे पूछगछ की थी, मगर उसने कल मेरे सामने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। तो अब क्या इरादा है आपका? इरादा यह है कि नासिर के बारे में अलअजीज को आगाह करना है, क्योंकि यह मामला संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। लगाओ, सब दूर हट जाओ इसके पास से। एबा खातून, क्या हो गया? ऐसा तो ना कहें खुदा के लिए आप। गलत बयानी कर रहे हो तुम अर्तुरुल। तुम्हारी ये जरूरत, फौरन अलअजीज को खबर करो। ये पीने से तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा महफूज हो जाएगा।